हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अब्दुल बासित एंड यू आर वाचिंग सलार एजुकेशन इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है जिसके दो मेजर पार्ट्स हैं एक को कहा जाता है मेन चाइना और दूसरे को कहते हैं ताइवान जो ऑफिशियल नेम है चाइना का वो है द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पी आर सी और यहाँ पे एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस सिस्टम की रूट्स 1949 तक जाती हैं 1949 से पहले चाइना का ऑफिशियल नेम था द रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस कंट्री को लीड कर रही थी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब वर्ल्ड वार टू हुई उस वक्त चाइना एलाइड पावर की साइड पे था जो कि जंग जीत गई थी और उसके बाद अलाइड पावर ने यूनाइटेड नेशन की बेस रखे और उसमें पांच ऐसी पावर थी जिनके पास वीटो पावर थी और चाइना वाज वन ऑफ देम तो चाइना के पास वीटो पावर थी लेकिन 1949 में चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं या फिर सिंपली चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1949 कहा जाता है इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब एक सक्सेसफुल मुल्क के अंदर ले आए तो उन्होंने मुल्क का नाम चेंज करके रख दिया द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको कम्युनिस्ट चाइना भी कहा जाता है पीआरसी भी कहा जाता है शॉर्ट में लेकिन उस वक्त कोल्ड वॉर कह रहा था यानी रशिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरम्या एक कोल्ड वार चल रही थी तो उस वक्त यूएसए फ्रांस यूके और जो मेजर पावर थी उन्होंने चाइना को तस्लीम नहीं किया यहाँ पर इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली अब जो नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी तो इन्होंने अपना सेटअप उठाया ये ताइवान चले गए तो इन्होंने कहा जी ताइवान जो है ये है कैपिटल है और बाकी जो चाइनीज़ एरिया है उस पर एक इलीगल फोर्स ने कब्ज़ा कर लिया है तो दुनिया ने ये बात मानी और उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जब ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी तो वीटो पावर जो है यू के अंदर वो किसके पास थी द रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी वो गवर्नमेंट जिसका आ, जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ ताइवान के एक आइलैंड पे है तो उसके पास वीटो पावर थी क्योंकि कम्युनिस्ट जो चाइना था ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बन के उभरने लगा क्योंकि सब कुछ रिसोर्स इसके कंट्रोल में थे तो अब दुनिया का कोई कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इसके साथ रिलेशन ना रखे तो यू ने आखिर पर मजबूर हो के नाइनटीन में कम्युनिस्ट चाइना के साथ अपने रिलेशन ऑफिशियली uh, इसको रिकॉग्नाइज किया तो अब पूरी दुनिया के लिए चाइना क्या था द रिपब्लिक ऑफ चाइना लेकिन यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये अपनी गवर्नमेंट ताइवान में चला रहे थे तो अब यहाँ पे दो चाइना आ गए एक आ गया रिपब्लिक ऑफ़ चाइना और दूसरा है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अब जो कम्युनिस्ट चाइना था उसने एक दुनिया को एक पॉलिसी दी कि अगर आपने ताइवान को चुनना है ताइवान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देनी है तो हमारे साथ आप ऑफिशियल रिलेशन नहीं रख सकते अगर हमारे साथ रखने हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ताइवान हमारा एक पार्ट है यहाँ पे रेबल्स की हकूमत है तो क्योंकि कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता था चाइना के साथ अपने रिलेशन ना रखना तो इसलिए सब कंट्रीज़ ने ये शर्त मानी और सब के लिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ द ओरिजिनल चाइना यहाँ पे कुछ छोटे कंट्री ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता चाइना उनके साथ रिलेशन रखे या ना रखे तो अब हम जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो देखेंगे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का तो सिस्टम देखने से पहले हम पार्टी देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी क्योंकि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब अगर कम्युनिस्ट <coughs> पार्टी की बात करें तो इसको कहा जाता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सी या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सी पी ये सिर्फ़ वो पार्टी है जब से रेवोल्यूशन आया है यानी 1949 से तो तब से चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी का रूल है वो है कम्युनिस्ट पार्टी इस पार्टी को नाइनटीन में जो है बनाया था और उसके बाद इनने अपनी एक स्ट्रगल स्टार्ट की इनका जो नज़रिया था वो था कम्युनिज्म का तो एक सिविल वार स्टार्ट होती है 49 में उस सिविल वार के रिज़ल्ट uh, में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है नेशनलिस्ट पार्टी को वहाँ से भगा देती है और वहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ़ चाइना वो इस्टेब्लिश करते हैं तो तब से अब तक उनकी गवर्नमेंट है ये दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कितने मेंबर हैं 95 मिलियन मेंबर्स हैं ये कुछ सिक्स परसेंट चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बराबर है पहले नंबर पे कौन कौन सी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की ये एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है और बीजेपी इज नॉट अ वेल पार्टी अब पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको एथियस्ट होना लाजमी है यानी आप किसी रिलीजन से अगर तलग रखते हैं तो आप पार्टी की मेंबरशिप नहीं हासिल कर सकते और इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है कि इसकी अपनी आर्मी है ठीक है चाइना के अंदर इसकी अपनी आर्मी है तो इतनी स्ट्रांग पार्टी है और सिर्फ यही रूलिंग पार्टी है तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर ये काम कैसे करती है हमने कहा कि इसके 95 मिलियन मेंबर्स हैं वो जो 95 मेंबर्स हैं वो एक पार्टी इलेक्ट करते हैं एक बॉडी इलेक्ट करते हैं जिसको कहा जाता है नेशनल कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ठीक है इसमें कितने मेंबर्स हैं बाईस सौ डेलीगेट्स हैं यानी कितने हैं मेम्बर्स हैं ये अब ये बहुत बड़ी बाडी है 2270 अब ये करती है कि एक अपनी सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करती है जिसमें कितने मेंबर हैं 205 मेंबर्स हैं और यहाँ पे 171 ऑफिशियल जो हैं जिनकी ड्यूटीज़ हैं उसको इस कमेटी में शामिल किया जाता है क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी बाडी है तो ये बाडी अपने से छोटी एक बॉडी इलेक्ट करती है जो इसको रिप्रेजेंट करती है उसको कहा जाता है पोलिटबेरो में कितने मेंबर्स हैं 25 मेंबर हैं और इसी तरह पोलिट बैरो पोलिट बैरो बनाती है, जो इसके भी पे काम करते हैं सेवन जो सात इंसान हैं, चाइना के अंदर द मोस्ट पावरफुल पीपल हैं जी ओके इनमें से एक को ये इलेक्ट करते हैं अपना चेयरमैन और जो पार्टी को क्या करता है अपनी प्रेजिडेंट है या चेयरमैन कहते हैं तो ये है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन uh, तो अभी हम जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ़ चाइना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी रूल करती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यहाँ पे अराउंड एट पार्टीज़ और भी हैं लेकिन ये पार्टीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर हैं और ये कभी जीत नहीं सकते अगर ये कोई रेवोल्यूशन ले आती हैं तो वो अलग बात है लेकिन ये नॉर्मल हालात में कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जीत सकती और यहाँ पे एक यूनिक सिस्टम है यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिज्म के जो है एलिमेंट्स हैं कुछ डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स हैं और इनका नाम इनने क्या रखा हुआ है ऑफिशियली चाइना का जो सिस्टम है उसको कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक ओके अब जो सिस्टम है सिस्टम के दो एलिमेंट्स हैं एक है स्टेट और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी जो स्टेट है स्टेट के तीन आर्गन हैं, जो किसी भी स्टेट के होते हैं एक है लेजिस्लेचर दूसरा है जुडिशरी और तीसरा है एग्जीक्यूटिव और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर इन तीनों के दरमियान शेयर करता है लेकिन ये क्योंकि डी यूर यहाँ पे इनके पास पावर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दिया है लेकिन जो डिफेक्टिव रूलर है चाइना का वो कम्युनिस्ट पार्टी है अब कैसे है इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कंस्टिट्यूशन इसको ओ, क्या करता है मेंशन करता है तो इसलिए सबसे पहले हम स्टेट्स के आर्गन देखते हैं स्टेट के तीन आर्गन हैं लेजिस्लेचर जिसको चाइना के अंदर कहा जाता है द पीपल नेशनल कांग्रेस और दूसरा है जुडिशरी जुडिशरी का जो टॉप कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहते हैं द सुप्रीम पीपल कोर्ट और एग्जीक्यूटिव ये थर्ड जो है पार्ट है ब्रांच है इसको कहा जाता है द सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से स्टार्ट करते हैं चाइनीज लेजिलेचर को कहा जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस एन एन पी सी के कितने मेंबर्स हैं ये हैं उनतीस मेंबर्स, अराउंड थ्री थ्री थाउजेंड हैं अगर हमारी नेशनल असम्बली की बात करें यहाँ पे थ्री हंड्रेड एंड फोटी टू मेबर्स हैं लेकिन यहाँ पे कितने हैं थ्री थाउजेंड मम्बर्स हैं तो ये एक बहुत बड़ी बॉडी है ठीक है अब इसको इसके इलेक्शंस कहते कैसे होते हैं ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सबसे पहले ये होता है कि काउंटी लेवल पे इलेक्शन होते हैं उसके बाद ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर इस तरह इस तरह ऊपर टीयर्स बने हुए हैं तो एंड पे आके वो नेशनल एनपीसी को नेशनल पीपल कांग्रेस को जो है वो इलेक्ट करते हैं इस सिस्टम को जो इलेक्टोरल सिस्टम है इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे तो शॉर्ट सा ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यहाँ पे जो डिप्टीज़ हैं वो सिर्फ इलेक्टेड नहीं है बल्कि यहाँ पे आर्मी को अलग से रिप्रेजेंटेशन दी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं चाइना की कुछ मेंबर्स वहाँ पे वहाँ से आते हैं जो मेजॉरिटी मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं लेकिन आर्मी को अलग से यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई है ओके ये जो लेजिस्लेचर है ये सिर्फ साल में एक दफ़ा मिलती है मार्च में दस से चौदह दिन के लिए ये मिलती है कहाँ पे मिलती है ये द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल यहाँ पे साल में सिर्फ एक दफ़ा मिलती है इनकी एक मीटिंग होती है इस मीटिंग में हर पाँच साल के बाद क्योंकि इलेक्शन हर पाँच साल के बाद होता है तो ये एक इलेक्ट करते हैं स्टैंडिंग कमेटी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये मेन काम जो है इस, क्योंकि साल में सिर्फ एक दफ़ा मिलती है लेजिस्लेशन तो तकरीबन रोज ही करनी पड़ती है तो इसलिए जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एन का फंक्शन परफॉर्म करती है अगर अगर एन चाहे जो स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो ये लेजिस्लेचर को बुला सकती है लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर 20 परसेंट डिप्टीज कहें कि सेशन बुलाना है लेजिस्लेचर का तो फिर भी इसका सेशन बुलाया जाएगा तो स्टैंडिंग कमेटी के दो फंक्शन हैं पहला फंक्शन ये है कि ये इसके बी ऑफ पे काम करती है एन के बी ऑफ पे काम करती है दूसरा फंक्शन ये है कि ये इलेक्शन इसके कंडक्ट करवाती है यानी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह भी यही काम करती है तो ये होगी स्टैंडिंग कमेटी और हमारी नेशनल पीपल कांग्रेस अब नेशनल पीपल कांग्रेस के फंक्शंस देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल इसकी फंक्शन जो है वो बताता है सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सोवरन बॉडी है अब सोवरन बॉडी का क्या मतलब है कि अगर अगर पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली कोई ला बनाती है ठीक है और वो ला कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जुडिशल रिव्यू की पावर है कि वो बताए क्या ये ला कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है अगर ला कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा तो उस ला को वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है ठीक है तो जो नेशनल असम्बली है पाकिस्तान की दैट इज़ नॉट अ सॉवरन बॉडी लेकिन जो चाइना के अंदर जो लेजिस्लेचर है एन तो एन सी कोई भी लॉ पास करे उसको वहाँ का जो कोर्ट है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है करार नहीं दे सकता तो इसलिए कहा जाता है कि चाइना की जो लेजिस्लेचर है वो एक सोवरेन बॉडी है ठीक है तो जो कोर्ट है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसके पास जुडिशल रिव्यू की पावर नहीं है अब जुडिशल रिव्यू वहाँ पे होता है लेकिन कौन करता है वो एन पी सी की स्टैंडिंग कमेटी ही करती है तो खुद ही ये ला बनाते हैं खुद ही देखते हैं कि क्या ये ला जो है कंस्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है कि नहीं है तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जो चाइनीज़ लेजिस्लेचर है वो एक सॉवरन uh, बॉडी है अब फंक्शन की बात करें ये जो चाइनीज़ कंस्टिट्यूशन है इसको क्या कर सकते हैं ये अमेंड कर सकते हैं अमेंडमेंट कैसे करनी है इसके दो ऑप्शन हैं यह स्टैंडिंग कमेटी के है कि अमेंडमेंट करनी है दूसरे नंबर पे रेजोल्यूशन कौन टेबल कर सकता है ट्वेंटी परसेंट यानी वन फिफ्थ जो डिप्टीज हैं वो कोई रेजोल्यूशन ला सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है चेंज करना है अब पास कब होगा ये रेजोल्यूशन इसके लिए चाहिए हमें टू थर्ड मेजॉरिटी यानी सिक्सटी सिक्स परसेंट मेम्बर अगर इस रेजोल्यूशन की फेवर uh, में वोट करें तो ये अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पास होगी और सभी कॉन्स्टिट्यूशन में uh, सभी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तकरीबन यही तरीका होता है पास करने का तो दूसरा फंक्शन है नॉर्मल लेजिस्लेशन अब लेजिस्लेशन ये खुद नहीं करते स्टैंडिंग कमेटी करती है तो स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी लॉ पास करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन फिफ्टी परसेंट से ऊपर ठीक है जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जितने मेंबर्स हैं अराउंड ये होते हैं टू फिफ्टी मेम्बर्स हैं नहीं वन सेवेंटी फाइव मेबर्स हैं तो इनकी एब्सलूट मेजॉरिटी चाहिए कोई भी ला पास करने के लिए ओके okay. तीसरा काम है बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो प्रेसिडेंट है चाइना का जो प्रेसिडेंट है इसको एन इलेक्ट करती है और एन इसको रिमूव भी कर सकती है ओके okay. और उसके बाद अगर स्टैंडिंग कमेटी कोई ऐसा ला बनाती है जो एन को लगता है कि ये इन अप्रोप्रिएट है तो ये ला नहीं होना चाहिए तो वो उस ला को एनल कर सकती है रिपील कर सकती है ठीक है और उसके बाद एन का एक फंक्शन है कि ये ओवरव्यू करती है कि क्या चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा सकता है फिर वार वार और पीस का डिसीजन भी कौन करता है एन पी सी करती है और ये अवर सी करती है एन पी सी की जो स्टैंडिंग कमेटी है ये द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है इसको सुपरवाइज करती है जो सी एम आई सी है ये चाइनीज जो आर्मी है द पीपल लिबरेशन आर्मी और द पीपल आर्म पुलिस इन दोनों को ये क्या करती है कंट्रोल करती है तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका है लेजिस्लेचर का तो लेजिसलेचर यहाँ पे काफी पावरफुल है अब जाते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ एग्जीक्यूटिव को हम दो पार्ट में चेंज करते हैं एक है प्रेजिडेंट ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है ठीक है अब इसको हम लेजिस्लेचर में भी नहीं रख सकते तो इसलिए हमने इसको यहां पे डिस्कस करना है दूसरा है एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट की बात करें जो चाइनीज प्रेजिडेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट है बट ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है चाइनीज जो प्रेजिडेंट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो इसको इलेक्ट करती है और इसको रिमूव भी कर सकती है तो जो चाइना का प्रेजिडेंट है उसका फंक्शन क्या फंक्शन है सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये चाइना को दुनिया में रिप्रेजेंट करता है ठीक है और इसकी कुछ और फंक्शन है वो है कि जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रूल है तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिटेरो डिसाइड करेगी कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा तो ऑफिशियली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन किसकी एडवाइस पे करेगा सीपीसी uh, की पॉलिट बेरो की एडवाइस पे और जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है और जो एम्बेसडर हैं इनको भी ये अपॉइंट भी कर सकता है वापस भी बुला सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर है वो है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है ठीक है और ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है इसका चेयरमैन भी कौन होता है प्रेसिडेंट होता है लेकिन यहाँ पे ये एनपीसी को डिज़ोल्व नहीं कर सकता यहाँ पे एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो पावर्स हैं ये एनपीसी के अंडर होती हैं यानी जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो चाइना के लेजिस्लेचर के बिल्कुल अंडर है तो अब प्रेजिडेंट को देखें इसकी पावर कितनी है ये पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उससे ज्यादा पावरफुल है ठीक है लेकिन जो चाइना का प्रेसिडेंट है इसकी पावर उसकी नस्बत बहुत कम है ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट अब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है द सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट आर द स्टेट ऑफ काउंसिल जो स्टेट ऑफ काउंसिल है ये है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के वज़रा यहां पे एक प्रीमियर होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा जाता वहां पे प्रीमियर कहा जाता है तो मतलब वही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ओके और सेवरल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं अब इनमें से कोई भी एक भी बंदा लेजिस्लेचर से तलक इसका नहीं होता तो इनको अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनफॉर्मली ऑन द एडवाइज ऑफ द पोलिट कम्युनिस्ट पार्टी ये जो स्टेट काउंसिल है इसके पास सब पावर्स हैं सब पावर्स स्टेट काउंसिल के पास मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हैं सब की सब इसके पास हैं तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन चाइना ये लेजिस्लेचर इन इनका कोई तलक नहीं है लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किस को है? नेशनल पीपल कांग्रेस को और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को किसी भी वक्त डिसमिस कर सकता है लेकिन चाइना के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी है वहाँ पे ऐसा नहीं होता तो ये होगी एग्जीक्यूटिव अब आ जाते हैं हम जुडिशरी की तरफ जुडिशरी वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा जाता है द पीपल सुप्रीम कोर्ट पीपल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की नस्बत बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि यहाँ पे जुडिशल रिव्यू की पावर इनके पास मौजूद नहीं है तो जुडिशल रिव्यू कौन करता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एन पी सी तो खुद ही कानून बनाते हैं खुद ही उसका रिव्यू करते हैं तो जो जुड जुडिशरी है जुडिशरी का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है वो है जस्टिस यहाँ पे जो चाइनीज़ जुडिशरी है उसका सिर्फ क्या काम है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना अब वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो है डिफेक्टिव रोल रूलर यानी असली रूलर वो है लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सारी पावर किसके पास हैं मेन पावर जो हैं वो किसके पास हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के पास हैं और बाकी जो पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास हैं तो अब जो पार्टी है जो तो कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो कैसे डिफेक्टिव रूलर है चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चार्ट को दोबारा देख लीजिए पोलिट ऊपर। चेयरमैन है चेयरमैन के नीचे कौन है पोलिट बेरो है, है।, है? है स्टैंडिंग कमेटी है नीचे पोलिट बेरो है सेंट्रल कमेटी है और पार्टी कांग्रेस है चाइनीज जो पार्टी है एक विल ऑर्गेनाइज पार्टी है अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे इलेक्शन कैसे होते हैं ठीक है अब ये सबसे नीचे वाला टीयर है बेसिक ऑटोनि इसको इलेक्ट करते हैं लोग ये अपने से ऊपर वाले टियर को इलेक्ट करता है इस तरह ऊपर जो है इलेक्शन होते हैं अब जो प्रिवेंशन लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ये इलेक्ट करती हैं नेशनल पीपल कांग्रेस को और नेशनल पीपल कांग्रेस अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाती है और जो इसके फंक्शन परफॉर्म करती है अब अगर करंट जो लेजिस्लेचर है उसमें देखें तो यहाँ पे देखिए ये है एनपीसी और ये जो रेड है रेड जो एरिया है ये किसकी मेंबरशिप कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप को जाहिर कर रहा है ओके और ये जो बाकी पार्टीज हैं उनके मेंबर बहुत कम हैं और यहां पे इंडिपेंडेंट भी हैं थोड़े से मेंबर्स और यहां पे जो स्टैंडिंग कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी में क्योंकि इसकी मिरर इमेज होती है ये तो यहां पे भी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह है अब लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है कम्युनिस्ट पार्टी के पास अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कम्युनिस्ट पार्टी हार जाए अब क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने सब चीज़ों को इस तरह मैनेज किया हुआ है कि वो इंश्योर है कि हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी अब इसकी एक रीज़न है यहाँ पे एक तो आइडियालॉजी है इनके पास और दूसरे नंबर पे पार्टी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप भी अपनी मर्जी का वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे वी चैट एक <coughs> एक सोशल मीडिया ऐप है वो यूज़ करते हैं लेकिन उसके ऊपर भी चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है चाइनीज़ जो पार्टी है उसका होल्ड है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट पार्टी रूल है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मुमक़िन ही नहीं है कि कोई और पार्टी जीत जाए अब ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है वो नेशनल कांग्रेस करती है नेशनल कांग्रेस में किसकी मेजोरिटी है ये है कम्युनिस्ट पार्टी की तो अब जो पार्टी का असूल है जो पार्टी का चेयरमैन है वो खड़ा होता है किसके लिए प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए ओके और दूसरी पार्टीज़ के मेम्बर भी होते हैं और यहाँ पे पक्की बात है किसने जीतना है प्रेसिडेंट ने अब प्रेसिडेंट भी किसका हो गया कम्युनिस्ट पार्टी का और जो है नेशनल कांग्रेस उसमें मेजार्टी किसके पास है कम्युनिस्ट पार्टी के पास है यहाँ पर ला कैसे बनते हैं ला कौन बनाता है स्टैंडिंग कमेटी बनाती है या फिर पार्टी खुद बनाती है जो कांग्रेस है वो खुद बनाती है अब ला ऐसे बनते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है रेजोल्यूशन या कोई भी ला है बिल वो लेके आता है बिल जब लेके आता है लेकिन यहां पे प्रीमियर कौन है प्रीमियर को किसने अपॉइंट किया हुआ है इसको अपॉइंट किया हुआ प्रेसिडेंट ने ठीक है अब किसकी एडवाइस पे किया है ये पार्टी की जो पॉलिट बेरो है यानी जो पार्टी की स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसकी रिकमेंडेशन पे प्रीमियर को क्या किया जाता है यहां पे अपॉइंट किया जाता है और तो यहां पे प्रीमियर ने किसकी मर्जी का ला लाना है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ला लाएगा ठीक है अगर खुदा प्रीमियर ऐसा नहीं करता तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इसको क्या कर दे डिसमिस कर दे ठीक तो ला किसकी मर्जी का है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ठीक है अब आगे चलते हैं अब हमने कहा कि चाइनीज जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी उसका अपनी आर्मी है तो अब चाइना के अंदर आर्मी को कौन कंट्रोल करता है चाइना की आर्मी के दो वेंग हैं और भी वेंग्स हैं मेजर जो हैं दो हैं एक है आ, पीपल लिब्रेशन आर्मी यानी जो उसकी रेगुलर आर्मी है और दूसरा है पीपल आर्म पुलिस जो पुलिस है ये दो वहां पे एजेंसीज हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इनको कौन कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है और इसको सुपरवाइज कौन करता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस ये इसको क्या करती है सुपरवाइज करती है और जो इसका चेयरमैन है यानी सीएमसी का जो चेयरमैन है ये कौन होता है ये स्टेट का प्रेसिडेंट होता है ठीक है तो प्रेसिडेंट कौन होता है हमेशा चाइनीज पार्टी का चेयरमैन होता है तो यहां पे भी इसको कंट्रोल कर रहा है लेकिन ऐसे कंट्रोल नहीं करता एक और यहाँ पे जो है ट्वेस्ट है वो भी दिखाते हैं तो ये जो प्रेसिडेंट है ये कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस होता है मैंने ऊपर आपको बताया था कि चाइनीज पार्टी की अपनी आर्मी है उसका जो एक मिलिट्री विंग है उसका इसी की तरह पे एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है ठीक है ये जो चाइनीज पार्टी है इसका अपना एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है ये किसको कंट्रोल करता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री विंग है इसको कंट्रोल करता है ठीक है अब इसका चेयरमैन कौन है ये जी पार्टी का चेयरमैन जो है ये सीएमसी का भी चेयरमैन है और यहाँ पे ये कमांडर इन चीफ भी है अब यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट कौन है ये, ये एक पर्सन है जी यहाँ पे भी ये एक पर्सन है हकीकत ये है कि सीएमसी अब जो पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है और जो स्टेट का मिलिट्री कमीशन है ये फिजिकली एक ही है इनके सिर्फ नाम दो हैं और आ, जो डिफेक्टिव इस के ऊपर कंट्रोल है वो किसका है कम्युनिस्ट पार्टी का तो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना के अंदर एक डिफेक्टिव रूलर है